दोस्तों बेशक नेचर ने बहुत सी एनिमल्स की नस्लों को खौफनाक और खतरनाक बनने का मौका दिया था, लेकिन उसी नेचर और उसमें रहने वाले इंसानों ने उन एनिमल्स को इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कर दिया। वाल आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं खौफनाक और खतरनाक तरीन एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे ये वीडियो मेरी मोस्ट डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल सीरीज का पार्ट 5 है और पिछले पार्ट में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, मेगालोसेरोस। दोस्तों बेशक इस जमाने की डियर बहुत से एनिमल्स का खाना बनती है और भले ही इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो, पर फिर भी हर एनिमल इनका शिकार बड़ी आसानी से कर लेता है। लेकिन आइस एज के जमाने की मेगालोसेरोस नामी डियर की स्पीशीज अगर जिंदा होती तो इस वक्त का कोई भी शिकारी एनिमल इनके आसपास भटकने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मेगालोसेरोस इस दुनिया की हिस्ट्री में आने वाली सबसे बड़ी डियर की स्पीशीज थी, जिनका साइज टोयोटा फॉर्च्यूनर कार के जितना हुआ करता था। और यही नहीं बल्कि इनके एंटलर्स यानी सिंग 12 फीट तक चौड़े हुआ करते थे, मतलब एक कार इनके एंटलर्स में आराम से फिट हो सकती थी। वैसे ये एंटलर्स तमाम डियर की स्पीशीज के मुकाबले सबसे बड़े थे और सिर्फ मेल मेगालोसेरोस के पास ही हुआ करते थे। वेल इन एंटलर्स का एक पर्पस तो फीमेल मेगालोसेरोस को अट्रैक्ट करना था और दूसरा पर्पस दूसरे मेल मेगालोसेरोस के साथ लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करना था। बहरहाल ये इस दुनिया में आइस एज के दौरान ठंडे तरीन मौसम में पाए जाते थे और अपना ह्यूज साइज मेंटेन करने के लिए हद से ज्यादा प्लांट्स खाया करते थे, पर आइस एज के बाद मौसम बदलने की वजह से इनको खाना तलाश करने में बहुत ज्यादा परेशानी शुरू हो गई थी। इसी वजह से ये इस दुनिया से 8000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, बियर डॉग्स। दोस्तों बियर्स कितने डेंजरस एनिमल होते हैं इसका तो आपको जरूर पता होगा, और डॉग्स जब गुस्से में आते हैं तो इनसे भी बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। वेल इमेजिन करें अगर डॉग और बियर का हाइब्रिड होता तो कैसा होता। तो जी हाँ, इस दुनिया में आज से 5 मिलियन ईयर्स पहले बियर डॉग्स नामी खौफनाक और कातिल एनिमल्स पाए जाते थे, जिनकी कुछ स्पीशीज का साइज तो बियर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता था और लेग्स बिल्कुल डॉग्स की तरह लंबे होते थे। वैसे बियर डॉग्स बेशक बियर और डॉग का हाइब्रिड लगते थे, पर ये ना ही बियर्स थे और ना ही डॉग्स, बल्कि ये एक अलग एनिमल्स की फैमिली थे जो कैलिफोर्निया नामी ऑर्डर को बिलोंग करती थी। ये वही ऑर्डर है जिसमें वुल्फ्स, डॉग्स और बियर्स जैसे एनिमल्स शामिल हैं। इसलिए अगर आपने कभी नोट किया हो तो बियर्स और डॉग्स देखने में काफी सिमिलर लगते हैं। बहरहाल बियर डॉग्स इस दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल प्रेडेटर्स में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने करोड़ों सालों तक एपेक्स प्रेडेटर का टाइटल अपने नाम किया हुआ था। लेकिन इंसानों के इस दुनिया में आने से पहले बियर डॉग्स एक्सटिंक्ट हो गए थे और इनके एक्सटिंक्ट होने की एक वजह दूसरे न्यूली इवॉल्व्ड एनिमल्स के साथ कॉम्पिटिशन बताई जाती है। नंबर 5, लिवियाथन। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा इस दुनिया की हिस्ट्री में मेगालोडोन को टक्कर देने वाला समंदर में कोई भी एनिमल नहीं आया होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि इस दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब लिवियाथन नामी शिकारी वेल समंदरों पर राज किया करती थी। वह लिवियाथन का साइज होता तो दो स्कूल बसेस के बराबर था, मतलब मॉडर्न डे स्पर्म व्हेल्स के जितना ही, और ये देखने में भी काफी हद तक स्पर्म व्हेल्स की तरह दिखाई देती थी। पर स्पर्म व्हेल्स के जॉस काफी पतले होते हैं और अपर जॉस में तो टीथ भी नहीं होते, और वहीं लिवियाथन के जॉस इस दुनिया की हिस्ट्री में आने वाले तमाम एनिमल्स के मुकाबले सबसे ज्यादा खतरनाक बताए जाते हैं, क्योंकि इनके जॉस में इस दुनिया के सबसे लार्जेस्ट काटने वाले टीथ मौजूद होते थे। इसलिए तो लिवियाथन इनफ थी मेगालोडॉन जैसी खतरनाक शार्क को चीर कर टुकड़ों में करके खाने के लिए। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे अगर लिवियाथन इतनी ही डेंजरस थी तो ये मेगालोडॉन के जितनी फेमस क्यों नहीं है। इसकी वजह है लिवियाथन 2008 में डिस्कवर हुई थी और अब तक सिर्फ स्कल ही डिस्कवर हुआ है। वही मेगालोडॉन 1835 में डिस्कवर हुई थी और इनके फॉसिल्स मिलते रहते हैं। इसी वजह से लिवियाथन जैसा खौफनाक सी मॉन्स्टर अभी तक बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। नंबर 4, अर्जेंटेविस मैग्निफिसेंस। दोस्तों केट्सलक्वाटलस बेशक डायनासोर के जमाने के सबसे डेंजरस उड़ने वाले एनिमल्स थे, लेकिन इनके बाद इस दुनिया में कोई खतरनाक तरीन उड़ने वाला एनिमल आया है तो वो अर्जेंटेविस मैग्निफिसेंस ही है, क्योंकि इनका साइज लाइट एयरक्राफ्ट के जितना हुआ करता था। इसलिए तो इनके पास इस दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला बर्ड होने का रिकॉर्ड है। वाल ये इस दुनिया में आज से 10,000 साल पहले आइस एज के दौरान पाए
जाते थे। और तो और माना जाता है ये आइस एज के फेमस जायंट ग्राउंड स्लॉथ्स का शिकार किया करते थे। वैसे सिमिलोडॉन जैसे शिकारी एनिमल का भी शिकार करना अर्जेंटेविस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बहरहाल हम इंसान इन जायंट बर्ड्स के साथ को एग्जिस्ट किया करते थे, और जब अर्जेंटेविस आसमानों में उड़ते थे तो बिल्कुल किसी उड़ने वाले डायनासोर की तरह दिखाई देते थे। लेकिन इंसानों की हंटिंग और आइस एज खत्म होने की वजह से बहुत से जायंट एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे थे, इसलिए खाना ना मिलने की वजह से अर्जेंटेविस मैग्निफिसेंस भी एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 3, डायर वुल्फ। दोस्तों बहुत सी सीरीज या मूवीज में वुल्फ्स को तो आपने जरूर देखा होगा, जिनका साइज आमतौर में काफी ज्यादा बड़ा दिखाया जाता है। पर क्या इस तरह की कोई वुल्फ्स की स्पीशीज रियलिटी में भी एग्जिस्ट किया करती थी? तो जी हाँ, तकरीबन आज से 10,000 साल पहले आइस एज के ठंडे तरीन इलाकों में डायर वुल्फ नामी वुल्फ्स की अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक तरीन स्पीशीज पाई जाती थी, जिनकी बाइट फोर्स इनफ थी आइस एज के किसी भी एनिमल की हड्डियां तोड़ने के लिए। इसलिए तो इनका शिकार वुली मैमथ्स, जाइंट बीवर्स और बाइसन लैटिफ्रॉन्स जैसे मेगाफौना हुआ करते थे। वैसे डायर वुल्फ मॉडर्न डे लार्जेस्ट ग्रे वुल्फ से साइज में सिर्फ 25% ही बड़ी हुआ करती थी। और तो और रिसेंट कुछ स्टडीज ने शो किया है डायर वुल्फ वुल्फ नहीं थी बल्कि एक अलग कैनाइन थी। कैनाइन डॉग जैसे दिखने वाले एनिमल्स को बोलते हैं, जैसे के डॉग, वुल्फ, फॉक्स, कायोटी एंड जैकल। वेल जब आइस एज के मेगाफौना एक्सटिंक्ट हुए तो डायर वुल्फ भी खाना ना मिलने की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन इनके साथ को एग्जिस्ट करने वाले ग्रे वुल्फ्स आज भी जिंदा है, जिसकी वजह है ग्रे वुल्फ की डाइट जो कि छोटे एनिमल्स पर बेस्ड होती है। नंबर 2, यकेलोप्टेरस। दोस्तों मुझे यकीन है आप लोग स्कॉर्पियंस के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जिनकी इस दुनिया में 2000 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, और जिनमें से कुछ का जहर तो इनफ होता है किसी भी इंसान को मारने के लिए। लेकिन इस जमाने के स्कॉर्पियंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज से तकरीबन 400 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब जब डायनासोर्स किया बल्कि इस दुनिया में कोई चार पैर वाला जानवर भी इवॉल्व नहीं हुआ था, उस वक्त समंदरों में यकेलोप्टेरस नामी इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्थ्रोपॉड पाया जाता था। इनसे बड़ी हिस्ट्री में कोई भी स्कॉर्पियन की नस्ल नहीं आई, क्योंकि इनका साइज एक इंसान से भी कई गुना बड़ा हुआ करता था। वह यकेलोप्टेरस अपने इकोसिस्टम के एपेक्स प्रेडेटर होते थे, और कभी कभार तो ये भूख में एक दूसरे का भी शिकार कर लिया करते थे। बहरहाल यकेलोप्टेरस सिर्फ और सिर्फ पानी में पाए जाते थे, इसलिए तो इन्हें सी स्कॉर्पियंस भी कहा जाता है। लेकिन समंदरों में जब डंकलियोस्टियस जैसे खतरनाक तरीन एनिमल्स इवॉल्व होना शुरू हुए तो यकेलोप्टेरस और इनके ऑर्डर के एनिमल्स ने अपने आप को बड़े और मरीन एनिमल्स से छोटे और लैंड एनिमल्स में इवॉल्व कर लिया था, मतलब ये मॉडर्न डे स्कॉर्पियंस में इवॉल्व हो गए थे, जो कि आज भी हमारे साथ इस दुनिया में पाए जाते हैं। नंबर 1, ट्राइसेराटॉप्स। दोस्तों बेशक टीरेक्स को इस दुनिया में आने वाला सबसे खतरनाक तरीन एनिमल कहा जाता है, और तो और टीरेक्स के बारे में तो मैंने आपको अपनी सीरीज के पार्ट 2 में बताया ही था, पर असल सवाल ये है कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी एनिमल आया है जो टीरेक्स जैसे शिकारी एनिमल का मुकाबला कर सके? तो जी हाँ, मिलिए ट्राइसेराटॉप्स से, जिन्हें इस दुनिया में इवॉल्व होने वाला सबसे खतरनाक तरीन डायनासोर कहा जाता है। और सबसे अजीब बात, ये एक हर्बीवोरस डायनासोर्स थे। और तो और माना जाता है ट्राइसेराटॉप्स का डिफेंस मैकेनिज्म इस दुनिया में आने वाले तमाम एनिमल्स के मुकाबले सबसे बेहतरीन था, क्योंकि इनकी नेक के पास एक यूनिक तरह की फ्रिल बोन हुआ करती थी, जिसकी वजह से ट्राइसेराटॉप्स के टाइम के किसी भी डायनासोर का इनको शिकार करना इम्पॉसिबल था। साथ ही साथ इनके फेस के आगे 3 हॉर्न्स भी होते थे, जो इनफ थे किसी भी टीरेक्स जैसे डायनासोर को चीर कर मारने के लिए। वैसे अगर हम इंसान ट्राइसेराटॉप्स के सामने आते तो ये हमारे भी बहुत बुरी तरह से टुकड़े कर देता। बहरहाल 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाले एस्ट्रॉइड इंपैक्ट में तमाम डायनासोर्स के साथ साथ ट्राइसेराटॉप्स भी इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए थे। वेल मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।